हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन बाय प्रावर्त्य मेथड। अभी हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, हमने शून्यम सूत्र से कैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि विद इन सेकेंड्स सिंपल इक्वेशंस को प्रावर्त्य मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे हम लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, अगर उन टेस्ट में पास होता है इक्वेशंस तो हम शून्यम सूत्र यूज कर सकते हैं। आज हम प्रावर्त्य मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रावर्त्य मेथड के जो टेस्ट है, टेस्ट क्या है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल लिया है, 3 अपॉन x + 1 + 4 अपॉन x + 2 = 7 अपॉन x + 3। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट हमें करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम प्रावर्त मेथड यूज कर सकते हैं। जब हमारे दो टेस्ट पास होते हैं तब हम प्रावर्त मेथड का यूज कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट है हमारा n1 + n2 = n। जो हमारा न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर 2 है, वो राइट हैंड वाले न्यूमरेटर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो पहला टेस्ट है 3 + 4 = 7, तो पहला टेस्ट हमारा यहाँ पे पास हो जाता है। दूसरा टेस्ट क्या है, वी फर्स्ट पुट डाउन द दूसरा टेस्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर सेम, एक्स के कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो हम प्रावर्त्य मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रावर्त्य मेथड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने ये दो टेस्ट करने हैं। सबसे पहले टेस्ट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं दोनों, तो आपको आगे बढ़ना है। स्टेप वन क्या है, वी फर्स्ट पुट डाउन द टू बी रिटेन इवन डिनोमिनेटर्स डाउन दस। तो जो आपके लेफ्ट हैंड वाले डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे x+1 है और x+2 है, तो सबसे पहले आप उनको लिख लो। x+1 को लिख लिया हमने और x+2 को लिख लिया एज ए डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है कि x+1 का जो कोफिशियंट है दैट इज 1, ठीक है, x+1, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1 है। तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को हमें जो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है उसके कांस्टेंट टर्म से माइनस कर देना है, यानी कि 1 - 3। तो 1 में से, तो सेकंड हमारा स्टेप क्या है कि जो राइट हैंड साइड पे जो आपका डिनोमिनेटर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कांस्टेंट वैल्यू से माइनस करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो वी ऑब्टेंड -2। अब इस -2 को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जो 3 लिखा है 3 के साथ इसको करना है हमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो, हमने स्टेप 3 में हमने क्या किया, x+1 को नीचे लिख लिया और हमने 1 में से 3 माइनस कर लिए, -2 आया, और उस -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। सो क्या बनेगा आपका, -6 बनेगा, जो भी साइन हो उसके साइन के हिसाब से उसको लिख दे। अब सेम फैशन में हमने दूसरी x+2 लिख दिया नीचे, x+2 यहाँ पे लिखा है। अब क्या करना है हमें, 2 - 3, सेम जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2, उसको कांस्टेंट टर्म से उसमें से कांस्टेंट टर्म माइनस करनी है राइट हैंड साइड वाली। तो 2 - 3 = -1, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज -4। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, -6 अपॉन x + 1 -4 अपॉन x + 2 = 0। x4 × x + 1 = -6 × x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, x+2। अभी इसको लिखेंगे हम कितना, 4x + 4 = -6x - 12। x को एक तरफ ले जाओ तो हो जाएगा 10x = -12 और -4, दैट इज -16। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x = -16 / 10, ठीक है। सो इसको कट कर लो, 8 और नीचे आ जाएगा 5। सो इसको हम लिख सकते हैं -1 / 3 / 5। तो ये आ गया आपका आंसर, एक्स की वैल्यू। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रावर्त। अभी कुछ एग्जाम्पल पे बेस देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका 3 अपॉन x - 2 + 5 अपॉन x - 6 = 8 अपॉन x + 3। तो टेस्ट वन क्या है हमारा, n1 + n2 = n। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 + 5 = 8। दूसरा क्या देखना है हमें, कोफिशियंट ऑफ एक्स आर सेम। सो एक्स यहाँ पे भी एक्स का कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों टेस्ट हमारे पास हो जाते हैं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रावर्त मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है x - 2।
अब माइनस टू में से माइनस थ्री करने हैं तो आ जाएगा माइनस फाइव, और माइनस फाइव का थ्री में करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे लिख दो आप एज इट इज एक्स माइनस सिक्स, माइनस सिक्स और माइनस थ्री दैट इज माइनस नाइन, माइनस नाइन का मल्टीप्लाई फाइव के साथ दैट इज माइनस 45, और इसको रख देना है आपको जीरो के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे 15 हम बाहर निकाल सकते हैं, 15 तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ले जाओ उसको उधर, थ्री अपॉन एक्स माइनस सिक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स, ओके। सो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स को उधर ले जाओ, सिक्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4x, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3। कितना सिंपल तरीके से आप, एक ये एग्जांपल है हमारा 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 4। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ये अटपटा सा लग रहा है क्योंकि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो 3 माइनस एक्स है, थोड़ा सा घुमाया है इसको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सिंपल लिख लो, 5 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 4। अब इसको उधर ले जाओ आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इधर रह जाएगा आपका, देखो इसको उधर ले जाओ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अभी यहाँ पहला टेस्ट है हमारा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये पास हो जाता है। दूसरा टेस्ट x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, सो कोफिशिएंट्स x के सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रावर्त मेथड का यूज कर सकते हैं। प्रावर्त मेथड क्या कहता है, सबसे पहले लिखना है हमें x माइनस 3, और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद माइनस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 और का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखो x माइनस 4 एज इट इज, सो माइनस 4 और प्लस 2 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लाई दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, सो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, एक्स को उधर ले जाओ, नाइन को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 4x, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 13 अपॉन 4, सो ये आ गया 3 एंड 1 अपॉन 4। इस तरह से सिंपली आप इसको कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका एक्स का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। सो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 6x प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, मल्टीप्लाई देखो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, हमें 6x बनाना है, x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अभी इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 6x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 6x प्लस 2। अभी देखो हम टेस्ट चेक करेंगे, n1 प्लस n2, 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30, ये चेक हो गया, x के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रावर्त मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है 6x प्लस 3, अभी 3 में से माइनस करना है 2, तो बचता है 1, तो 1 का 12 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे लिख दो 6x प्लस 4, 4 में से कितना माइनस करना है 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 18 टू जा 36 इज इक्वल टू लिखना है आपको 0। अब यहाँ पे 12 फिर कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बचेगा 1 अपॉन 6x प्लस 3, और इसको उधर ले जाओ तो ये बचेगा माइनस 3 अपॉन 6x प्लस 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बचेगा माइनस 6x, इसको प्लस ही ले लो, 6x प्लस 4 बचेगा इधर, 6x प्लस 4 को उधर ले गए हम, तो इधर बचेगा माइनस 6, 3 जा 18x माइनस 9, ठीक है। अब अगेन फिर xx एक तरफ ले आओ तो ये बचेगा 24x इज इक्वल टू 13, और उधर चला जाएगा हमारा माइनस 13 हो जाएगा,
तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -13/24, तो ये आ गया आपका आंसर। तो देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स एक बहुत ही जबरदस्त अपने आप में चीज है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले अर्निंग नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। अभी देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, 4/5x+1, 7/10x+1, 3/2x+1। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें भी आपको एक्स के कोफिशियंट सारे सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्स के कोफिशियंट को सेम बनाते हैं, तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 10 एलसीएम आ रहा है। तो पहली वाली जो टर्म है हमारी, पहले वाली टर्म में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8/10x+2, प्लस इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 10x है, इज इक्वल टू उसमें 5 का मल्टीप्लाई, 15/10x+5। अब आप क्या देख रहे हो, टेस्ट वन क्या है हमारा, 8+7=15। पहला टेस्ट हमारा पास हो जाता है। दूसरा टेस्ट, सबके सबका जो एक्स का कोफिशियंट है वो कितना है, 10 है। तो जब कोफिशियंट सेम है तो हम प्रावर्तक मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 10x+2 लिखना है, 2 में से 5 माइनस गया, -3, -3 और 8 हो जाएंगे आपके -24, प्लस यहाँ पे लिखो एज इट इज 10x+1, 1 में से 4 माइनस 5 माइनस, -4, -4 और 7, -28 इज इक्वल टू लिखना है हमें 0। अभी क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले यहाँ पे 4 हम और यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 4 6 24, 10x+2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/10x+1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, -60x -6 इज इक्वल टू 70x+14। अब आप क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 130x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -2/30। सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर। आइए अभी कुछ और डिफिकल्ट एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। अभी हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो टर्म्स होती थी, अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास तीन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसमें प्रावर्तक मेथड यूज हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1+3+5 कितना होता है, 9 होता है। पहला टेस्ट हमारा ओके है। दूसरा टेस्ट क्या है, एक्स के सारे कोफिशिएंट सेम है, तो हम यहाँ पे प्रावर्तक मेथड का यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, सिंपल वही तरीका है हमारे पास। सबसे पहले लिखो x+2, 2 में से 4 को माइनस करो, -2, तो यहाँ पे उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे लिखो x+3, 3 -4 -1, -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, -3, प्लस यहाँ पे लिखो x+5, 5 -4 दैट इज 1, 1 का 5 मल्टीप्लाई, 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे देखो आपकी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/x+2 +3/x+3 इज इक्वल टू 5/x+5। अब अगेन हम यहाँ पे प्रावर्तक मेथड यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2+3 इज इक्वल टू 5, पहला टेस्ट सेटिस्फाई है, दूसरा टेस्ट भी सेटिस्फाई है। तो अगेन इस पे प्रावर्तक मेथड यूज कर दो। तो जब अगेन हम प्रावर्तक मेथड यूज करेंगे तो बनेगा हमारा x+2 और यहाँ पे लिख दो x+3। सो 2 -5, -3 का 2 में मल्टीप्लाई, -6, प्लस 3 -5, -2 का 3 में मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया है, ये शून्यम सूत्र बन गया आपका। शून्यम सूत्र पढ़ा है हमने पीछे, तो दोनों के बेस सेम, न्यूमरेटर सेम है, तो हम शून्यम सूत्र यूज कर सकते हैं। शून्यम सूत्र में क्या होता है, सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर देते हैं और इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो यहाँ पे बना हमारा 2x = -5 और x = -5/2, -2.5, ये आ गया आंसर। अगर शून्यम सूत्र आपको नहीं आता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, शून्यम सूत्र जो हमारा लास्ट लेक्चर था, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये इसका, अगर आपको तीन टर्म दिए हो तो तीन टर्म को भी हम इसी तरह से एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं प्रावर्तक मेथड। ओके, चलिए तो अब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, इसमें यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड में आपको दो
टर्म्स दी हैं, राइट हैंड साइड में भी दो टर्म्स दी हैं, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वहां पे भी हम प्रवर्त मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो, सीख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टेस्ट है n1 plus n2 is equal to n3 plus n4। तो n1 plus n2 कैसे चेक करेंगे, ये हमारा है 10, 10 और उस x का कोफिशिएंट 2, सो 10 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, देखो 10 अपॉन 2 हो गया 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बचा आपका 2 अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 3, तो ये हो गया 1 प्लस 5, तो इक्वल हैं दोनों, इक्वल हैं दोनों, तो इसका मतलब है कि टेस्ट 1 आपका पास हो जाता है। टेस्ट 2 क्या है, n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू n3 क्रॉस n4, सो n1 और n2 का मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5, 5 और 1 का मल्टीप्लाई, 5 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और 5 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों ही टेस्ट आपके क्लियर हैं, तो यहाँ पे हम प्रावर्त मेथड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाएंगे, तो 2 और 3, यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका 3 है, तो क्या करना है हमें, इसका एलसीएम होता है 6, तो 6 बनाना है इसको, एक्स का कोफिशिएंट 6 बनाना है, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा आपका 30, 30 अपॉन 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ 6 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 अपॉन 6x माइनस 9 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 30 अपॉन 6x प्लस 4, ओके। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखो आप दोनों जो सेम डिनोमिनेटर हैं उनको एक साथ लिख दो, एक साथ लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6x माइनस 9 माइनस 6 अपॉन 6x माइनस 4। अभी देखो कुछ नहीं करना है आपको, आंखें बंद करके और ये 6x प्लस 3 और 6x प्लस 4 का मल्टीप्लाई लिखो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखो 6x माइनस 9 और 6x माइनस, इसको हम फटाफट से एक लाइन में कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 36 माइनस 12 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। सो ये आ गया आपका कितना, 24 अपॉन 20, तो यहाँ से 6x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 से 24 को डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 20 या 1 अपॉन 5, तो यहाँ से आ गया आंसर हमारा 1 अपॉन 5। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये एक और एग्जांपल है, इसको भी हम सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करेंगे n1 plus n2, तो यहाँ पे n1 plus n2 क्या है, 3 by 3 plus 2 by 2 is equal to 3 by 3 plus 2 by 2, तो हमारा पहला टेस्ट जो है सक्सेसफुल है। दूसरा टेस्ट क्या है, 1 into 1 is equal to 1 into 1, so 1 into 1 is equal to 1 into 1, दूसरा टेस्ट भी हमारा सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, x के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम आता है 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 6x प्लस 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन, ये हो जाएगा 6 अपॉन 6x माइनस 4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 6 अपॉन 6x प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम टर्म्स को क्या लिख लेंगे, माइनस में लिख लेंगे, तो 6 अपॉन 6x प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो 6 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 6x माइनस 3। देखो मैंने क्या किया है, प्लस वाली जो टर्म है उसको एक साथ लिखा है, माइनस वाली टर्म, माइनस कोफिशिएंट वाली टर्म अलग से लिखी है, एक साथ लिखी है, ठीक है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिख दो आप, 6x प्लस 2 हो जाएगा इधर, उधर हो जाएगा, इसकी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिख दो इनको, 6x माइनस 4 और 6x माइनस 3। अब सिंपल एक लाइन कैलकुलेशन लिखनी है, 6x is equal to 4 3 जा 12 minus 6 upon 2 plus 3 plus 4 plus 3, तो ये आ गया आपका 6 upon 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 3 is 12, तो ये आ गया 6 upon 12। जी हाँ, इस 6 को यहाँ पे कैलकुलेट करना ना भूलें बिल्कुल भी,
नॉर्मली बच्चे क्या लिखते हैं, 6/12 यहीं पे छोड़ देते हैं, यानी कि 1/2 ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12। ये बहुत आम बात है, बहुत इजीली इसको लोग कर सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वैदिक मैथमेटिक्स पे अभी भी मेरी रिसर्च जारी है, और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, तो इस लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ज्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अर्ली नोटिफिकेशन चाहिए वैदिक मैथमेटिक्स के। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंग।